राधे राधे, हरे कृष्णा। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी परम मंगल में होगे, स्वस्थ होगे, अच्छे होगे। अच्छा, आप लोगों को ये भली भांति पता है कि पितृपक्ष चल रहा है, श्राद्ध चल रहे हैं, कनागत भी इनको बोला जाता है, लेकिन बहुत सारे प्रश्न मेरे पास आए कि दीदी तर्पण कैसे करता है, अर्थात जल कैसे दे। जब मैंने उन लोगों से पूछा कि आपका जल देने का प्रोसीजर क्या है, तो मैं जान के अचंभित रह गई कि 90% लोगों को अपने पितरों को जल देना नहीं आता, जबकि आपको प्रोसीजर पूरा पता है, लेकिन फिर भी 90% लोगों को अपने पितरों को जल तर्पण करना नहीं आता। जो नित्य जल देते हैं इन 16 दिनों में, वो जल देना नहीं आता। तो यही वीडियो आज इस पर आधारित है कि अपने पितरों को जल कैसे दें। अपने पितरों को जल देने के लिए सबसे पहले आपके पास एक लोटा होना आवश्यक है। कोई जरूरी नहीं है कि वो लोटा तांबे का हो, पीतल का हो, आप स्टील का लोटा भी ले सकते हैं और आप मिट्टी का लोटा भी ले सकते हैं। इस बात का आपको ध्यान रखना है। ये नहीं कि गिलास लिया और गिलास में पानी भरा और अपने पितरों को जल दे दिया, ऐसा कुछ नहीं होता। दूसरी बात, इस बात का भी आपको ध्यान रखना है कि पितरों का जो समय होता है, ठीक है, पर्टिकुलर पितरों का एक समय होता है, जो पितरों की पूजा अर्चना वंदना होती है, जो पितरों को तर्पण दिया जाता है, वो दोपहर के समय दिया जाता है। और दोपहर में भी एक टाइमिंग होती है, जैसे कि 11:30 बजे से लेकर 12:30 बजे तक की टाइमिंग होती है, तब पितरों को तर्पण दिया जाता है। ठीक है, 11:30 बजे से लेकर 12:30 बजे तक। अब बड़े सारे लोग बोलेंगे, दीदी हम पूजा तो सुबह सुबह 5 बजे कर लेते हैं, फिर हम खाना खा लेते हैं, ये कर लेते हैं, वो कर लेते हैं। तो खाना खाने से और पितरों को तर्पण देने से कोई संबंध नहीं है, ठीक है ना। पूजा आपकी डेली रूटीन में जैसी हो रही है आप वैसी कीजिए। खाना खाके भी पितरों को तर्पण दिया जा सकता है, लेकिन बस जिस दिन आपके पितर की तिथि हो उस दिन आपको निराहार रहना है, जब तक आप ब्राह्मण को ना जवा दे, जब तक आप कागोर अर्थात श्राद्ध ना डाल दे। लेकिन इन 16 दिनों में आपको खाने से कोई संबंध नहीं है। पितरों का एग्जैक्ट एक टाइम होता है, ठीक है ना, 11:30 बजे से लेकर 12:30 बजे तक ही आपको पितरों को तर्पण देना चाहिए। अब 90% लोग तर्पण गलत देते हैं। करते क्या है, फॉर एग्जाम्पल ये एक लोटा है, वैसे ये लोटा नहीं है, गिलास है, मेरे पास अभी यहाँ पे मेरे पास स्थित नहीं था लोटा। फॉर एग्जाम्पल ये एक लोटा है, आप लोग क्या करते हो, लोटे को आपने लिया, इसमें थोड़ा सा तिल डाला, पानी भरा और ऐसे ऐसे करके कर दिया, पितरों को तर्पण दक्षिणमुखी होके दे दिया। ये प्रोसीजर एकदम रॉन्ग है, ये प्रोसीजर गलत है। हमारी जो ये उंगलियां होती हैं, हाथ होते हैं, इनमें सारे ग्रहों का वास होता है। केवल एक्यूप्रेशर एक्यूपंक्चर का काम नहीं करते हैं ये, इनमें सारे ग्रहों का वास होता है। तो पितरों को जल देने का सही प्रोसीजर मैं बता रही हूँ। आपको एक लोटा लेना है, लोटे में जल लेना है। जल में भी क्या क्या चीजें डालनी है पहले वो बता देती हूँ, फिर उसके बाद जल कैसे देना है वो बता दी। जल में आपको 5 चीजें डालनी है, यानी कि खाली आपने तिल डाला और डाल दिया, ये प्रोसीजर नहीं होता है। आप केवल सब्जी को उबाल के खा लेते हो, नहीं खाते ना, या फिर कच्ची सब्जी खा लेते हो, नहीं खाते ना। सब्जी में आप मसाला भी डालते हो, लौंग भी डालते हो, इलायची भी डालते हो, गरम मसाले भी डालते हो, धनिया भी डालते हो, मिर्ची भी डालते हो ना, तब वो सब्जी टेस्टी बनती है और उसके बाद आप लोग उसको ग्रहण करते हो। तो पितरों को जो आप तर्पण दे रहे हो, जल दे रहे हो, इससे उनकी जो आत्मा है, इससे जो आपके पूर्वज हैं, उनको तर्पण मिल रहा है। और जब तर्पण अच्छा होगा, जब उसमें सारी चीजें समाहित होंगी, तो उनकी आत्मा खुश होकर आपको आशीर्वाद देंगी। तो सबसे पहले आपको एक लोटे में जल लेना है, और सबसे पहली चीज क्या डालनी है उसमें, गंगा जल होना बहुत ज्यादा आवश्यक है। घर में थोड़ा सा गंगा जल डालना है, नन्ना सा गंगा जल आप इसमें डाल सकते हैं, 1 बूंद 2 बूंद। उसके बाद है कच्चा दूध। अब बड़े सारे लोग बोलेंगे, दीदी कच्चा दूध नहीं है, पक्का दूध। भाई कच्चा दूध थोड़ा सा संभाल के रखो, दूध को गर्म कर रहे हो, थोड़ा सा कच्चा दूध संभाल के रखो आपके पितरों के नाम का, ठीक है। बच्चे के लिए भी तो आप करते हो, पितर क्या है, बच्चे के स्वरूप ही हो जाते हैं, जब बूढ़े बुजुर्ग बच्चों के स्वरूप हो जाते हैं, ठीक है। मैं आपको ये प्रोसीजर बता दूं फिर। तो पहला आइटम क्या है, गंगा जल। दूसरा आइटम क्या है, इसमें आपको दूध डालना बहुत ज्यादा जरूरी है। तीसरा आइटम काले तिल, 1 चुटकी काले तिल आपको अवश्य और अवश्य डालने हैं। चौथा आइटम क्या है, जौ, जिस जौ आप जो उगाते हो नवरात्रों में, वो वाले जौ थोड़े से डालने जरूरी है। और पांचवा आइटम है, हल्का सा आपको गुड़ डाल सकते हो, अगर गुड़ ना हो तो चीनी डाल सकते हो, लेकिन गुड़ और चीनी का कोई कंपेयर नहीं है। गुड़ और चीनी समझ गए, मैंने हाथ से सारे से समझ गए होंगी किस लेवल का मैं बात कर रही हूँ। वो मैं आपको केवल ऑप्शन बताया कि अगर ना हो तो, ये 5 चीजें डालनी जरूरी है। दोबारा से रिपीट कर रही हूँ, नोट आउट कर लीजिए, गंगा जल होना जरूरी है, कच्चा दूध होना जरूरी है, काले तिल होना जरूरी है,
जो होना जरूरी है और गुड़ होना जरूरी है आपको लोटे में डाल देना है। लोटे में डालने के बाद 11:30 बजे से लेकर 12:30 बजे तक का समय होता है, आपको लोटा लेना है, दक्षिण मुखी अपना फेस करना है और अपने हाथ को कुछ इस मुद्रा में बनाना है। ध्यान दे रहा है आपको, ये मेरे हाथ का अंगूठा है, ये मेरे हाथ की उंगली है, हाथ को इस मुद्रा में बनाना है, थोड़ा सा आपको बैंड करना है हाथ को, लोटे को आपको ऐसे पानी डालना है अपने हाथ में, ये देखिए लोटे का पानी कहाँ से डालना है, हाथ में ऐसे डालना है और यहां से आपका पानी निकल रहा हो क्योंकि पितरों का स्थान हाथ में ये होता है और उनको जल देने का तरीका ये ही होता है। एक हाथ में आपको लोटा रखना है, ध्यान दीजिए कि एक हाथ में आपको लोटा रखना है, एक हाथ में आपको ये पोजीशन बनानी है और ये पोजीशन थोड़ी सी बैंड कर दीजिए। अगर ये पोजीशन थोड़ी सी बैंड नहीं करोगे तो पानी सीधा जमीन पे गिरेगा, ये पानी जमीन पर नहीं गिरना चाहिए। अब आपको दीदी पानी जमीन पर नहीं गिरे तो क्या करें, उसका भी मैं आप लोगों को बता रही हूँ, लेकिन ये पानी जमीन पर नहीं गिरना है, आपको पोजीशन ये बनानी है हाथ के बीच में, आपके मतलब अंगूठे के बीच में और उंगली के बीच में जो ये गैप है ये पितरों का स्थान होता है। पितरों को जल कभी भी ऐसे नहीं दिया जाता, पितरों को जल लोटे से, लोटा आपने यहाँ पे रखा और ये दक्षिण मुखी आपका हाथ होना चाहिए, फेस भी दक्षिण मुखी होना चाहिए। एक बार ओम पित्राय नमः, ओम पितृभ्य नमः, ओम पित्राय नमः, ओम पितृभ्य नमः, ये दो मंत्र होते हैं जो पितरों के लिए होते हैं, बहुत सिंपल है, कोई इसमें टाल मटोल नहीं है। ओम पित्राय नमः, ओम पितृभ्यो नमः, और इनको जल एक बार में नहीं दिया जाता, जैसे कि पूरा आपने जल ओम पित्राय नमः सारा जल डाल दिया, ऐसे नहीं दिया जाता। 10 बार में इनकी जो काउंटिंग होती है पितरों की वो 10 बार में होती है, ओम पित्राय नमः, ओम पित्राय नमः, ओम पित्राय नमः, 10 बार में आपको ऐसा करना है, ओम पितृभ्यो नमः, ओम पित्राय नमः, ये 10 बार आपको कम से कम करना है। इसके जो भी पितृ पक्ष के जो काउंटिंग होती है इसमें 11 बार नहीं होती है। जब भी ब्राह्मण जमने आते हैं, ब्राह्मण को आप खाना खिलाते हो या दक्षिणा देते हो तो उसमें 11 रुपए नहीं दिए जाते हैं पितरों के निमित्त, 10 रुपए, 20 रुपए, 30 रुपए, 40 रुपए, 50 रुपए ऐसे दिए जाते हैं, एक के सिक्के का उपयोग नहीं होता है। अब दूसरी बात, जो आप जल दे रहे हो 10 बार में आपको जल देना है, एक बार में सूर्य भगवान की तरह जल दे के खत्म नहीं करना है, 10 बार में आपको जल देना है। जल के नीचे जल बिल्कुल जमीन से कॉन्टेक्ट नहीं करना चाहिए, ठीक है, आप उसके नीचे बाल्टी रख सकते, कुछ भी रख सकते हैं, कोई गमला रख लीजिए, बाल्टी रख लीजिए, कोई खाली बर्तन रख लीजिए कि सारा जल उसमें जाए और जल का सामान भी उसी में जाए। उसके बाद आप लोगों को क्या करना है, वो जो सामान है उस सामान को आपको इकट्ठा कर लेना है, ठीक है, कभी भी कर सकते हैं, शाम को कर लीजिए, दोपहर को कर लीजिए, सुबह कर लीजिए। उस सामान को इकट्ठा करने के बाद आपके घर के आसपास जो भी पीपल का पेड़ है या फिर बरगद का पेड़ है वहां पे जाके छोड़ के आ जाइए। समझ में आ गई, उस सामान को, उस पानी को जो आपने अपने पितरों के नाम पे चढ़ाया है, उस सामान को और उस पानी को आपको छोड़ के आना है पीपल के वृक्ष के पास, ठीक है। आप 2 दिन का पानी भी इकट्ठा कर सकते हैं, 3 दिन का पानी भी इकट्ठा कर सकते हैं, लेकिन उसमें हल्की सी स्मेल आने लगती है क्योंकि गुड़ वगैरह पड़ा होता है तो वो गलने लगता है, तो मैं कहती हूँ कि रोज के रोज ही ये आप करके आ जाओ, ठीक है, बहुत सिंपल है। इसमें किसी भी प्रकार का कुछ मैंने बहुत ज्यादा रामबाण ने बताया, बहुत इजीली चीज बताई, बहुत सिंपल तरीका आपको बताया। बड़े सारे लोग कहेंगे दीदी पीपल के पास सामान छोड़ के आना है, इससे अच्छा तो हम पीपल पे ही जल चढ़ा के आ जाए, ऐसे नहीं होता है। आपको भूख लगी है, आपको प्यास लगी है, आपको नींद लगी है, आप किसके घर पे जाओगे, पड़ोसी के घर पे जाके तो गेट नहीं बजाओगे ना कि मुझे भूख लगी है खाना दो, मुझे प्यास लगी है पानी दो, नहीं, तो आपके जो पितर है वो आपका इंतजार, आपके तर्पण का जो इंतजार करते हैं वो आपके घर में करते हैं, समझ रहे हो ना, पीपल के पेड़ पे नहीं करते हैं। पीपल के पेड़ पे किसके पितर होते हैं, जिनका पूरा का पूरा खानदान खत्म हो जाता है, तो जब पितृ पक्ष के द्वार खुलते हैं, जब श्राद्धों के द्वार खुलते हैं तब वो लोग आके पीपल के पेड़ पर निवास करते हैं, उनका स्थान पीपल के पेड़ पर। लेकिन हमारे पितर जो हम लोग अभी हैं, भगवान की कृपा से हम लोग अभी हैं, तो हमारे पितर हमारे पास ही आते हैं, ठीक है, इसलिए पीपल के पेड़ पर आपको वो जल तर्पण नहीं करना। अपने घर की बालकनी हो गई, अपने घर की छत हो गई, वहां पे जल तर्पण करना है। जल तर्पण करते वक्त इस बात का ध्यान रखना है कि आपका जो मुख है वो दक्षिण की तरफ होना चाहिए, साथ ही के साथ उसमें 5 चीजें अवश्य डालनी चाहिए। साथ ही के साथ इस बात का ध्यान रखना है कि तर्पण एक बार में नहीं किया जाता, जैसे कि एक बार में पूरा ऐसे कर दिया, पितरों का स्थान हाथ में ये होता है, तर्पण करने का सही तरीका ये होता है। आपने गया जी में कभी श्राद्ध करी होगी तो आपने देखा होगा कि तर्पण ऐसे
ऐसे ही कराया जाता है। तो ये मैंने पूरा प्रोसीजर आपको तर्पण का बताया है और आपको ये करना बहुत ज्यादा जरूरी है और आशा करती हूँ आपको सही तरीके से तर्पण करना आ गया होगा। तो आशा करती हूँ कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप अपना यूट्यूब चैनल हरी बोल को लाइक से सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। और हाँ, अगर आपके कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझे मेरी इंस्टाग्राम आईडी डॉक्टर आशु दीदी पर कमेंट्स कर सकते हैं। फोन नहीं कीजिएगा, आप मुझे केवल कमेंट्स कीजिए, मैसेज छोड़ दीजिएगा, वहां पे मैसेज कर दीजिएगा। मेरे पास जब भी समय होएगा तो मैं उस मैसेज का रिप्लाई दूंगी। ठीक है, तो राधे राधे, हरे कृष्णा, हरि बोल।